हलका कनौर दे पिंड कुथा खेड़ी दे विच चल रही माइनिंग दे संबंध विच एक मीडिया अदारे दे वल्लों अपने सोशल मीडिया चैनल ते एक खबर प्रकाशित की गई सी, जिस दे विच पिंड कुथा खेड़ी दे विच चल रही माइनिंग नू नजायज दस्या जा रहा है। सो इस संबंधी अज DSP दफ्तर विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिस दे विच उन्हां दस्या कि एक मीडिया अदारे दे वल्लों बिना माइनिंग विभाग की पुष्टि किते बिना खबर प्रकाशित की गई है, जिस तों बाद थाना खेड़ी घंटियां दे वल्लों उक्त जगह ते जाके चैक किया गया, जिस दे विच माइनिंग विभाग के अधिकारियों के कोलों भी उक्त जगह की रिपोर्ट मंगी गई है, जिस दे विच उन्हां दे वल्लों लिखित दे विच रिपोर्ट भेजी गई है, जिथे उन्हां दस्सिया कि उक्त स्थान ते पूरी जांच पड़ताल करन तों बाद पता लगा है कि माइनिंग विभाग के वलों जारी किए गए नियमों के अनुसार ही माइनिंग की जा रही है। उन्होंने मीडिया अदारियों को भी अपील की है कि खबर नशर करन तो पहला एक बार माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन तो जरूर कन्फर्म किया जाए। हाँ जी सर, क्या कि मीटिंग बुलाई थी, जानकारी दो सर। एक सोशल मीडिया से गैर कानूनी माइनिंग के संबंध में कुत्ता खेड़ी एरिया थाना खेड़ी गंडिया के गैर कानूनी माइनिंग बारे एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया से चल रही है, जिहड़ा इस संबंध में असी प्रेस कॉन्फ्रेंस राही सूचित करना चाहते हाँ। जदों ये साढ़े पास वीडियो क्लिप पहुंची, असी माल महकमा अधिकारियों के नाल माइनिंग डिपार्टमेंट के नाल संपर्क कायम किया गया और मुख्य अफसर थाना खेड़ी गंडिया इस टीम के शामिल करके जो न्यूज़ के GPS लोकेशन है, जो एरिया हैगा उत्थे विजिट किया गया, तो सानू इस गल का पता लग्या कि उन्होंने ऑलरेडी ही पहले ही माइनिंग की जी परमिशन ली हुई है, वो कापी उन्होंने थाने भी रिसीव करवाई हुई सी, जिससे जो माइनिंग विभाग वालों जो कंडीशन दर्ज की गई हैं कि 3 फुट मिट्टी पुट सकते हैं, वो नियमानुसार मिट्टी पुट रहे थे। इस संबंध में असी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर पासों रिटन रिपोर्ट भी हासिल की है, जो तुम ये देख सकते हो साढ़े को उन्होंने उपर दस्खत भी ने कि किसी भी नियम की उलंघना नहीं की गई। ये जगदंबा एगरो इंडस्ट्री है जो इटा के भट्ठे का काम करते हैं, उन्होंने प्रोपर जाबते अनुसार कानून अनुसार परमिशन लैके उन्होंने ये जी मिट्टी है भट्ठे के काम लिए वरती जा रही है, जिससे इस संबंधी असी माइनिंग विभाग ने जो पहले मंजूरी दी थी उसकी भी समीक्षा की गई है, जो फिजिकल वेरीफिकेशन एट द स्पॉट माल महकमा रेवन्यू विभाग तो माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा की गई है, वो किसी भी नियम की उलंघना नहीं की गई। इस करके मैं आप राही अपील करता हाँ, जदों भी कोई माइनिंग बारे इनफॉरमेशन मिलती है कि वह गैर कानूनी हो रही है ज नियमानुसार परमिशन लैके की जा रही है, इस बारे संबंधित थाना के नाल संपर्क कायम किया जाए, क्योंकि जो भी माइनिंग हो रही है वो एक लिखती सूचना वो थाने देंगे ने कि साढ़े पास परमिशन है। इस तरह जो माइनिंग डिपार्टमेंट के इंस्पैक्टर है अफसर है उन्होंने भी पूछ लेना चाहिए कि किसी नियम की उलंघना नहीं हो रही, जेकर अजि कोई गैर कानूनी माइनिंग थोड़े ध्यान में आती है साढ़े जदों भी नोटिस आएगा असी कानूनी कार्रवाई तुरंत अमल च लियाने। असी तुहानू दसना चाहते हैं कि पिछले साल के सर्कल कनौर 10 केस असी माइनिंग नाल संबंधित रजिस्टर्ड किए हैं, जिन्हां 7 केस की इनवैसटीगेशन मुकम्मल करके दोषियों के खिलाफ चार्जशीट है जी फाइल कर दी है, बाकी जो 3 केस ने अंडर इनवैसटीगेशन है उन्होंने संबंध में असी रेलीवेंट रिकॉर्ड हासिल करके छेती तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश किया जाएगा, क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश ने कि गैर कानूनी माइनिंग या कोई गैर कानूनी काम है जोड़ा वो एरिए नहीं होने दिता जाता। इस बारे मानयोग SSP साहब वालों भी दिशा निर्देश जोड़े दिए गए हैं, जदों भी कोई सानू इनफॉरमेशन मिलती है जो साडे कंसर्न SHO ने वो माइनिंग विभाग के नाल उन्होंने नंबर शेयर किए हुए हैं, आपस में उनका कोआर्डीनेशन दे लेजन है, जदों भी कोई गल साढ़े नोट्स आती है असं तुरंत वेरीफिकेशन करते हैं मौके पर जाके, जदों भी कोई कंप्लेंट माइनिंग विभाग के नाल संबंधित मिलती है तो उन्हें मोस्ट अर्जेंट ट्रीट किया जाता है, जेकर वो कोई वायलेशन पाई जाती है तुरंत केस रजिस्टर कर दिया जाता है। एक बार फिर मेरी मीडिया परसन सोशल मीडिया से जो कॉलर ने उन्होंने अपील है कि कोई भी खबर शाया करने तो पहला उसकी ट्रुथफुलनैस है वो वेरीफाई कर लेनी चाहिए है, ता जो सही इमेज सही पिक्चर जी पब्लिक तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। सर जी जी वीडियो वायरल हो रही है तो कुछ की कार्रवाई करोगे? देखो जो साढ़े पास वो वीडियो क्लिप आई है असी उन्हें वेरीफाई किया, अथेंटिसिटी ट्रुथफुलनैस वेरीफाई की,
वह भावें तत्थों के आधार पर नहीं है। इसी करके असं अज थोड़े रूबरू होए हैं कि जो सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं या प्रेस नाल संबंधित अधिकारी ने, सो मेहरबानी करके उसकी ट्रुथफुलनेस न्यूज़ की जरूर वेरीफाई कर लेनी चाहिए है। उस संबंधित थाने तो पता किया जा सकता, माइनिंग विभाग तो पता किया जा सकता, जो प्रेस है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मनिया जाता। इस करके मेरी अपील है भी उन्होंने चंगी तरह वेरीफाई करने तो बाद ही अजिही खबर सोशल मीडिया से शाया करनी चाहिए है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। न्यूज़ 89 पंजाब के लिए राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट।